तन्हा हुए जब से सनम नम आंखें न हुई फिर ये नम ना कोई गम है बाकी सारी फिजाएं हैं साकी मस्ती में झूमे दिल ये मेरा। हेलो, कैसे हैं आप दोस्तों। मनोरंजन हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब ऐसा कोई काम जिसे करने से दिल को सुकून मिले, रूह को चैन आ जाए, बशर्ते वो काम अमानवीय या अभद्र ना हो। आत्मसंतुष्टि तभी मिलती है। कोई गाता है, कोई नाचता है, तो कोई जाति और धर्म से ऊपर उठकर इंसानी ज़िंदगी को बचाने से ही दिल की खुशी महसूस कर लेता है। सबके अपने अपने शौक हैं, अपना अपना नशा। पेश कर रहा हूँ आज की कहानी शौक के सूद। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। दोस्तों, ये एक ऐसा शौक है जो हर किसी को नहीं लगता, और जिसे लग गया फिर वो पीछे नहीं हटता। सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है। सोनू सूद ये वो नाम है जिसके हिस्से में ना जाने कितने परिवारों की दुआएं हैं, उनका आशीर्वाद है। फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय का परचम लहराने से इन्हें कोई नहीं रोक सका। ढेरों फिल्मों, नाटकों और प्रादेशिक भाषा की फिल्मों तक का सफ़र सफलताओं से भरा पड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की डिग्री पाकर जब सोनू संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में महारत हासिल की, वो भी बिना किसी जान पहचान के। उनके पूरे परिवार का फिल्म इंडस्ट्रीज से कोई वास्ता नहीं था, फिर भी सोनू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते सफलता हासिल की। इतने भर से भी सोनू के मन में संतुष्टि नहीं भरी। नाम, शोहरत, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस दिल के किसी कोने में खालीपन सा था। हर बार कुछ नया करने की धुन इन पंजाबियों में खूब होती है। ऐसे ही अपनी धुन के पक्के सोनू सूद, जो पंजाब प्रांत के मोगा से हैं, कुछ अलग करने की चाह में उनके हाथों कुदरत ने ऐसी कमान सौंपी जो कभी बिरलों को ही नसीब होती है। आकस्मिक की आपदा में घिरा पूरा विश्व, कोविड-19 से संक्रमित लोगों को उचित उपचार, निस्वार्थ सेवा और दिल खोलकर किया गया खर्च, भारत के इस होनहार सपूत सोनू सूद को भला क्यों ना दुआएं मिलेंगी। लोगों की जान बचाने, दिन रात मेहनत करने में जिस इंसान ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। देश के वो सभी डॉक्टर्स जो दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठे, इन दुखित घटनाओं से सोनू का दिल खूब रोया था। इस घटना का उनके दिमाग पर इतना असर पड़ा कि वो खुद कह बैठे थे, हम कोरोना जैसी इस आपदा में फेल हो गए। उन्हें ज़िंदगी बचाने वाले डॉक्टर्स के खोने का बहुत गहरा दुख पहुँचा, मगर वो इंसान फिर भी पीछे नहीं हटा। अपनी हट के पक्के सोनू सूद ने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया, बस आगे और आगे बढ़ता ही रहा। इतने भर से भी उनके दिल को चैन नहीं आया तो लॉकडाउन में बंद सभी छोटे बड़े प्रतिष्ठानों, कुटीर उद्योगों से प्रभावित लोगों की भूखी प्यासी जिंदगी को संवारने का बीड़ा भी उठा लिया और अपने ही जैसे सेवा भाव वाले लोगों को जोड़कर एक पूरी टीम का गठन करके बेरोजगार, असहाय, मजबूर लोगों को कुछ ना कुछ उनके क्षेत्र का कार्य देने की शपथ ले डाली। आज उनका नव निर्मित गठन बड़े ही ईमानदारी से काम कर रहा है, मगर कुछ एक असामाजिक तत्वों ने इस ईमानदारी के काम को भी अपनी रोजी रोटी का साधन बना लिया है। कुछ लोगों ने फेक आईडी बनाकर हेल्पलाइन नंबर पर मिस कॉल देने वालों से उन्हें काम देने के नाम पर रुपये ऐठने का धंधा बना लिया है। दोस्तों, अगर आपसे कोई ऐसी मांग की जाती है तो तुरंत वो आईडी ब्लॉक कर दें और मुनासिब एक्शन लें, क्योंकि सोनू सूद की टीम आपकी परेशानी समझती है, वो किसी प्रकार की कोई भी डिमांड नहीं करती। अपने मोबाइल से सोनू सूद की संस्था के नंबर पर मिस कॉल दीजिए, नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है और यथा योग्य आपकी सहायता उपलब्ध कराने का कार्य शुरू हो जाता है। न जाने दुनिया में कितने शौक भरे पड़े हैं, पर जो दूसरों की जान बचाने,
उनकी सहायता करने का शौक लगा लेता है, वो उस कुदरत का ही इशारा होता है जिसने सबको गढ़ा है। उस इंसान की दृष्टि अर्जुन जैसी हो जाती है जिसे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती है, यानी मदद करने वाला बस मदद करनी जानता है। जिसकी मदद की जा रही है वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस प्रांत का है, ये सब वो नहीं देखता, क्योंकि उसे केवल जान दिखाई देती है। वो जान किस चोले में है, उसका आवरण कैसा है, कुछ नहीं दिखता। अच्छाइयाँ ही ऊंचाइयों पर पहुँचती हैं। आज सोनू सूद का छायाचित्र उनके द्वारा किए गए लोकहित में कार्य करने की बदौलत ही हवाई जहाज़ों पर छापा गया है, ताकि दुनिया जान सके हीरो कौन होता है और किसको कहते हैं असली हीरो। उसकी अच्छाइयों का, उसकी मेहनत का फल उस कुदरत ने सूद समेत दिया है हम सबको। ईश्वर सूद की इस शौक को बनाए रखे। ये थी छोटी सी कहानी शौक ए सूद। कहानी अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो औरों तक पहुंचाने की अब आपकी बारी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोनू सूद के हेल्पलाइन नंबर को सभी से शेयर करें। और हाँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।